नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका किसानों की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय है मूंगफली की उन्नत खेती जायद के सीजन में कैसे करें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मूंगफली की उन्नत किस्में, खाद एवं उर्वरक, बीज दर और वीड कंट्रोल के साथ साथ स्प्रे शेड्यूल की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुकूल समय की, तो मार्च अप्रैल में आप मूंगफली की बुवाई कर सकते हैं। जायद की फसल के लिए यह समय अच्छा माना जाता है। बीज के अगर हम बात करें तो काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी के साथ साथ सभी प्रकार की मिट्टी में मूंगफली की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। हम बात करें उन्नतशील किस्मों की, तो आप TBG 39, CGM 1, GG 22, TG 37A और G10 जैसी उन्नतशील किस्मों को लगाकर अपनी फसल से एक बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। यह सभी किस्में बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं। बात करें सीड रेट की, तो प्रति एकड़ आपको 30 से 40 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है मूंगफली बुवाई करने के लिए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं मूंगफली की बुवाई करते समय खाद एवं उर्वरक के बेसल डोज की। तो 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 50 किलोग्राम DAP और 3 किलोग्राम सल्फर की मात्रा आपको खेत की तैयारी के समय खेत में डालनी है। बात करें बुवाई की, तो बुवाई में प्लांट से प्लांट और लाइन से लाइन की दूरी आपको कितनी रखनी है, तो लाइन से लाइन की जो दूरी है किसान भाइयों, वो आपको लगभग 16 इंच और प्लांट से प्लांट की जो दूरी है वो रखनी है आपको लगभग 3 से 4 इंच। इसके अलावा वीड कंट्रोल के ऊपर बात करें, तो प्री इमरजेंस के रूप में आप पेंडा मिथालीन 30% इसी दवा का छिड़काव कर सकते हैं। इस दवा की आपको 600 से 800 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और बुवाई के तुरंत बाद इस दवा का आपको स्प्रे करना है। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यानी स्प्रे शेड्यूल की, क्योंकि मूंगफली की फसल में लीफ स्पॉट, पीलापन जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में पीलापन की समस्या ज़्यादा आ रही हो तो आप सल्फर का उपयोग करें। इसके अलावा मूंगफली में रूट रॉट, लीफ स्पॉट, रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू जैसी विभिन्न समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो रूट रॉट की समस्या होने पर आप रोको फंजीसाइड की 500 ग्राम मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे करें। बात करें पहले स्प्रे की, तो पहला स्प्रे जब आपके किसान भाइयों फसल 25 से 30 दिन की हो जाए, तो आप कल्टिवो फंजीसाइड की 40 ग्राम प्लस इसके साथ इमीडा क्लोरोपेट की 10 ml मात्रा को 15 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे करें। सेकेंड स्प्रे किसान भाइयों, जब आपकी फसल लगभग 55 से 60 दिन की हो जाए, तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 40 ग्राम प्लस इमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से घोल बनाकर अपनी मूंगफली की फसल में छिड़काव करें। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार छिड़काव आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस तरह से यदि आप स्प्रे शेड्यूल का मैनेजमेंट करते हैं, तो आप अपनी मूंगफली की फसल से एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें।